क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम समझें कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस किसे कहेंगे। रिवर्स, भाई नाम सुना होगा आपने रिवर्स, जैसे गाड़ियां आगे चलती हैं, रिवर्स करें तो वापस पीछे चली जाती हैं, तो रिवर्स। और ई रिवर्स, जो सिर्फ आगे ही चले पीछे ना चले। इसी को अब हम यहां चेंजेस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे। देखो गाड़ियों में जो गाड़ी आगे भी जा सके और पीछे भी, रिवर्सिबल, जैसे कार है आगे जाती है पीछे भी, लेकिन बाइक है वो आगे ही जाती है, उसमें वापिस पीछे जाने का जो वो है वो होता नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो यहां चेंजेस कैसे, जैसे आइस है, आइस आप लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर लो और वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट कर लो, तो ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जैसे मिल्क से कर्ड, दूध से दही में बदलना, आप दही को वापस दूध में तो आप बदल नहीं सकते, तो दूध से दही में बदलना इरिवर्सिबल चेंज है। ये मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। जैसे कि देखो डेफिनेशन सबसे पहले, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, कंडीशन को बदल के, कंडीशन को उल्टा करके, जैसे आइस था, आइस को गर्म किया तो वाटर में बदल गया, अब कंडीशन को उल्टा कर दो, गर्म की बजाय वाटर को ठंडा कर दो और बहुत ठंडा कर दो तो वापस आइस में बदल जाएगा। यानी कंडीशंस को रिवर्स करके आप चेंजेस को भी रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। सम रिवर्सिबल चेंजेस आर कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, पहला तो यही है, हीटिंग, एंड दैट ऑफ वाटर टू आइस ऑन कूलिंग। हीटिंग से आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर वाटर को दोबारा आइस में, कूलिंग से आपने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया, फिर स्विच ऑफ किया आपका बल्ब ऑफ हो गया। स्ट्रेचिंग ए रबड़ बैंड, रबड़ बैंड था आपका, आपने खींचा तो लंबा हो गया, छोड़ दिया तो फिर छोटा हो गया। प्लगिंग ए फील्ड, खेत को खोदा आपने और फिर वापस मिट्टी डाल दी तो रिवर्स हो गया, तो प्लगिंग ए फील्ड। ऐसे चेंजेस जिन्हें कंडीशन रिवर्स करके वापस रिवर्स किया जा सके, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। इसके अपोजिट द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, जिन्हें दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, इवन बाय, बेशक आप कंडीशंस को चेंज कर लो तो भी आप उन्हें दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, उन्हें इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। एग्जाम्पल इरिवर्सिबल के, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, एक पेपर को आपने जला दिया या लकड़ी जला दी, जलाने के बाद उसको राख, एशेज में वो कन्वर्ट हो गया, आप उस ऐश को दोबारा ठंडा करोगे तो पेपर आपको नहीं मिलेगा। पेपर और वुड व्हेन बर्न गिव्स ऐश एंड स्मोक, वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम ऐश एंड दी स्मोक। एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, हमारी उम्र जब बढ़ जाती है तो हम दोबारा छोटे नहीं हो सकते, We cannot make an old man a child by any method. हमारे पास ऐसा अभी तक कोई method नहीं है कि हम एज को reverse कर सकें। Next, change of milk into curd, दूध से दही में बदलना। Growth of plant बड़ा हो गया, आप उसे दोबारा छोटा नहीं कर सकते, काट सकते हो वो अलग चीज है, लेकिन उसकी एज कम नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग गई है, आप उस जंग को उतार के साफ कर सकते हो, लेकिन उससे जो आयरन का नुकसान हुआ है वो आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट बाय सिंपल प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस कौन से हैं, ये इरिवर्सिबल और ऊपर रिवर्सिबल। आपको करना क्या है, आपको दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है और दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ध्यान रखना, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स होंगे,
रिवर्सिबल के और इरिवर्सिबल के आपको खुद अपना दिमाग लगाना है और समझना है कि कौन सा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है। पेपर में आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना, फिजिकल चेंज, आप जैसे कि फिजिकल आपके स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, थ्री स्टेट्स हैं। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिजिकल चेंज, लेट स्टडी द नेचर ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपने ये एक लकड़ी की स्टिक को बीच में से ब्रेक कर दिया तो इससे इसकी वुड की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, बस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। ये फिजिकल चेंज है कि ये अलग अलग टुकड़ों में क्या है, टूट गया है, ठीक है। देयर इज अ चेंज इन द साइज ऑफ वुड स्टिक, ईच पीस हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, सब में वुड की ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप देखो स्टेट ऑफ वॉटर, वॉटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम को दोबारा कंडेंस करके आप वॉटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो रिवर्सिबल चेंज भी है ये और फिजिकल चेंज भी है। अब ऊपर के कंक्लूजन से हमें क्या समझ में आया, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस हैं क्या, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, कैसी प्रॉपर्टी, जैसे शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस, टेम्परेचर, गर्म कर दिया थोड़ा सा, ठंडा कर दिया, टेम्परेचर में चेंज, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्हीं प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और फिजिकल चेंज क्या कहेंगे, यहां से आप मार्क करोगे, अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज, ऐसा बदलाव जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टियां ही बदलती हैं उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, कोई नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ इसमें फॉर्म नहीं होता। सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस आर इवेपोरेशन, वेपोरेशन, वॉटर इवेपोरेट होके क्लाउड फॉर्म करेगा, क्लाउड, ये जो वाटर वेपर्स फॉर्म करेगा, वाटर वेपर कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करेंगे और क्लाउड प्रेसिपिटेशन से दोबारा बारिश कर देंगे। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर इनटू वाटर, नमक और चीनी का पानी में मिल जाना। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, सॉलिड को गर्म करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और फ्रीज करेंगे ऑफ अ लिक्विड इनटू कूलिंग, और दोबारा उसको ठंडा करेंगे लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। ग्लोविंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करेंगे तो गर्म हो जाता है, फिजिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीस, लोहे के टुकड़े पे बार बार मैग्नेट को रब करेंगे तो लोहे के टुकड़ा भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, इसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। किसका, आयरन पीस का, या फिर उसको डीमैग्नेटाइज हम कर सकते हैं, किसी आयरन, मैग्नेटाइज आयरन पीस को, यानी किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट में बदलना और उसे वापस नॉर्मल लोहे के टुकड़े में बदल देना, ये क्या है आपके, ये आपके फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेंशन ऑफ और कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, गर्म करने पे कोई सब्सटेंस फैलता है और ठंडा होने पे वो वापस सिकुड़ जाता है। गर्म करने पे सब्सटेंस फैलते हैं, ठंडा होने पे वापस सिकुड़ जाते हैं, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक, लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के डंडी को तोड़ना, फिजिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, फिजिकल चेंज। चेंज ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक पाउडर, चॉक स्टिक, चॉक के टुकड़े को रगड़ रगड़ के चॉक के पाउडर में कन्वर्ट कर देना, फिजिकल चेंज।
तो ये सब फिजिकल चेंज है, इनमें उनकी किसी भी उनकी जनरल केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए इन्हें फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज की खास बातें क्या हैं? ऑल फिजिकल चेंज शो द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। जब आप कोई किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करते हो तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होंगी, यानी फिजिकल चेंज में क्या होगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही बदलाव आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एज इट इज सेम रहेंगी। इन अ फिजिकल चेंज, किसी फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी, फिजिकल चेंज कैसे हैं, टेम्परेरी हैं। रिवर्सिबल, इन्हें रिवर्स किया जा सकता है, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू फिजिकल चेंज को वापस रिवर्स किया जा सकता है। अब इसमें है ना, देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे पेपर फाड़ना, लकड़ी तोड़ना, बच्चे कहेंगे वापस तो चिपकेगा नहीं सर, तो पेपर को दोबारा पानी में मिला के दोबारा इसको क्या है गला के दोबारा उसका पेपर बनाया जा सकता है, ये जनरल मेथड है, जरूरी नहीं है सारे फिजिकल चेंज एज इट इज रिवर्स हो जाएं, ठीक है। नो ओ न एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, या कोई फिजिकल चेंज होगा तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब एनर्जी तो लगती है पेपर तोड़ने में, पेंसिल तोड़ने में, पेपर फाड़ने में, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होती जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस आर, कुछ टिपिकल फिजिकल चेंज, कॉमन टिपिकल फिजिकल चेंज आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ ऐसे फिजिकल चेंज जो ऐसा लगता है कुछ केमिकल चेंज हुआ है लेकिन होता वो फिजिकल चेंज है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इन ए फिजिकल चेंज। अब जैसे चीनी मीठी है वो पानी में घुल जाती है, और जो शुगर सॉल्यूशन है वो भी मीठा टेस्ट करोगे तो मीठा स्वाद आएगा, लेकिन शुगर जब वाटर में घुल जाता है तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, पानी के अंदर भी शुगर अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है और दूसरी तरफ वाटर भी अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है। शुगर इज डिसॉल्व्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय स्टिरिंग, ए क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब बच्चे सोचते हैं सर प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, नॉर्मल वाटर मीठा हो गया तो ये केमिकल चेंज है ना, ये फिजिकल चेंज ही है, किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया। हम बहुत सिंपल मेथड इवेपोरेशन से वाटर को इवेपोरेट करा के शुगर अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है, थोड़ा सा टिपिकल है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होके इसे केमिकल चेंज समझ लेते हैं। प्रोसेस इन विच अ सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जैसे शुगर वाटर के अंदर, तो शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, क्लियर है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन कंसंट्रेटेड बाय हीटिंग, शुगर सॉल्यूशन को जब गर्म करेंगे तो मोस्टली वाटर उसका भाप बन के उठ जाएगा इवेपोरेशन से गर्म, तो जब गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बचेगा उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन, इंक्रीज कर दिया हमने उसको, कंसंट्रेटेड कर दिया एंड कूल्ड, फिर उसको ठंडा किया हमने, ठंडा करने से क्या होगा, शुगर के वापस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, गिव बैक द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, दीज क्रिस्टल ऑल्सो टेस्ट स्वीट, और ये भी आप देखोगे तो मीठे ही होंगे, यानी शुगर ने पानी में मिक्स होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की, शुगर द ओरिजिनल सब्सटेंस जो था वो हमने वापस रिकवर कर लिया है शुगर सॉल्यूशन से, एक बहुत ही सिंपल मेथड, सिंपली हीट करके। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक फिजिकल चेंज कहलाएगा।
ड्यूरिंग डिसोल्यूशन जब हमने शुगर को वाटर में मिलाया था, शुगर हैज नॉट लॉस्ट इट्स स्वीटनेस। अब क्यों ये फिजिकल चेंज है भाई, हमने बताया कि कोई अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज करे, केमिकल जो बेसिक नेचर है उसे चेंज ना करे। तो शुगर अपनी स्वीटनेस को चेंज नहीं करता, इट इज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड को, रिकवरिंग वाले मेथड को क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। देयरफॉर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। नॉर्मल तो पूछ लेंगे कि ये कैसा चेंज है, फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये फिजिकल चेंज है क्यों, तो आपको बताना है कि वो अपनी शुगर अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता इवन आफ्टर डिसॉल्विंग इनटू वाटर, एंड वी कैन गेट बैक द शुगर बाय द सिंपल मेथड क्रिस्टलाइजेशन। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ठीक है ना।